हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से आपके बीच हाउस वायरिंग का इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बताया हूं। तो मैं हूं संजय प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वायरिंग प्लम्बर टेक। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए अच्छी जानकारी भी हो सकती है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्किट पैनल लगाएंगे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा सर्किट आई हुई है, जो इस पैनल को हमें यहाँ सेटिंग करेंगे। तो इस पैनल का सारा सेटिंग करके अभी हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे और उसके साथ सर्किट का भी इसमें कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। तो आप पीछे भाग देख सकते हैं कि इस तरीके से स्क्रू से सारा सिस्टम कसी हुई है। ये 12 मॉड्यूलर बोर्ड है जिसमें पाँच 5 पिन कनेक्शन है और 2 इंडिकेटर है, जिसे आप सारा देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसे किस तरीके से पैनल बनाएंगे। तो ये वीगार्ड कंपनी का MCB है। तो सबसे पहले हम MCB बॉक्स में MCB को सेटिंग कर लेंगे। एक DP है जो 63 एम्पियर का है। तो इस तरीके से सारा MCB को हम सर्किट के अनुसार लगा लेंगे। कितनी सर्किट बन रही है उस अनुसार MCB भी लगाया जाता है। और अब चलिए अब हम इसका कनेक्शन कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये जो न्यूट्रल और प्लस पॉइंट वायर है, जिसे हम सप्लाई वायर में जोड़ देंगे। ये सप्लाई वायर जो ग्रिप से निकली हुई आउटपुट कनेक्शन है, ऊपर हमारा सप्लाई वायर आएगी। तो हम इसे ग्रिप को निकालते हुए इसमें अच्छे तरीके से नट खोलकर कस लेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको पूरा समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगी। हमारा इधर का भाग कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम बोर्ड में कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। तो ये प्लस पॉइंट वायर है जो सप्लाई वायर है, इसे हम 1 5 पिन में दे देंगे। इसके साथ ये 2 इंडिकेटर वायर है, तो हम इसे भी इसी में कनेक्ट कर देंगे। इससे ये होगा कि जब भी सप्लाई वायर में करंट आएगी तो एक इंडिकेटर जल जाएगी, जिससे हमें पता चलेगी कि लाइट यहाँ तक कंप्लीट है, सप्लाई वायर में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो एक इंडिकेटर को हम सप्लाई वायर में जोड़ देंगे। ये न्यूट्रल है तो दोनों में हम करते हुए इस तरीके से 1 5 पिन में कनेक्ट करेंगे। तो सप्लाई वायर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आया हुआ है, जो नीचे जाते हुए 1 5 पिन में कनेक्ट है और एक इंडिकेटर में। तो इस तरीके से हमारा इसका काम कंप्लीट हो चुका है। हमें इसे कुछ नहीं करनी है, यहीं तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम 2 वायर और लेंगे। तो उसे हम दूसरी 5 पिन से जोड़ेंगे। तो इसके साथ 1 वायर और हम ले लेंगे। अब आप देखिए कि इस वायर को हम कहाँ पे जोड़ते हैं। ये जो प्लस पॉइंट है MCB बॉक्स में जाएगी और एक प्लस पॉइंट आपका इन्वर्टर चार्जिंग के लिए है। तो इसे हम नीचे वाला 5 पिन इन्वर्टर चार्जिंग के लिए दिए हुए हैं। तो इसे हम यहाँ तक कटिंग करके इसमें कनेक्ट करेंगे। सभी कंपनियों में N और L 5 पिन में दी हुई होती है, तो हम उसमें ही प्लस पॉइंट को L में जोड़ेंगे और न्यूट्रल पॉइंट को N में जोड़ेंगे। ये न्यूट्रल पॉइंट है तो इसे भी हम जोड़ देंगे इसी तरह। 1 वायर MCB बॉक्स में जाएगी और 1 वायर इन्वर्टर चार्जिंग के लिए न्यूट्रल में जाएगी।
एमसीबी बॉक्स में चली जाएगी दोनों वायर, न्यूट्रल पॉइंट और प्लस पॉइंट, और एक चार्जिंग के लिए प्लस पॉइंट दे चुके हैं, न्यूट्रल पॉइंट देंगे। तो इसके साथ एक वायर और हम ले लेते हैं, जो कि आपका इन्वर्टर आउटपुट कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट ना भी दे सकते हैं, लेकिन हम दे देते हैं। और ये जो दूसरा इंडिकेटर बच रही है, इसे हम इन्वर्टर आउटपुट कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे। जब भी इन्वर्टर लगाएंगे तो ये इंडिकेटर भी संकेत के रूप में जलेगी। तो एक हम न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ देते हैं और एक प्लस पॉइंट जोड़ेंगे जब आपका इन्वर्टर लगेगी। तो इसे भी हम जोड़ देते हैं। इसके साथ एक वायर हम ले लेते हैं, एक वायर इन्वर्टर इनपुट में दे देते हैं, इसे हम एमसीबी के जरिए देंगे। इसे हम एमसीबी इनपुट में देंगे और आउटपुट से रूम का सारा सर्किट इन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे। ये दो सप्लाई वायर है जो एमसीबी बॉक्स में जाएगी। आप इसे देख सकते हैं, एक 5 पिन में ये सप्लाई वायर है, वहाँ से आउटपुट कनेक्शन एमसीबी बॉक्स में जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सप्लाई कैसे जाएगी, तो जब भी 3 टॉप पिन हम लगाएंगे दोनों में, तभी ये कनेक्शन काम करेगी। आप इसे यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। इसके साथ अब ये सप्लाई वायर है जिसे हम एमसीबी बॉक्स में जोड़ेंगे। तो ये दोनों वायर को हम डीपी कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे। अच्छी तरीके से स्क्रू खोलकर उसे हम कस लेंगे, नहीं तो स्पार्किंग की चांस बनी रहती है। इस तरह दोनों कनेक्शन को हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम आउटपुट कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे। तो ये न्यूट्रल वायर है जिसे हम न्यूट्रल पत्ती में जोड़ देंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सारा सेटिंग करके इसका वायरिंग करके अभी हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ हम सर्किट का भी इसमें कनेक्शन कनेक्ट करेंगे और आपको लाइट चालू कर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्क करती है। तो इसे हम न्यूट्रल पत्ती में जोड़ देंगे। उसके बाद ये प्लस पॉइंट है, तो इसे भी हम ऊपर पहले जोड़ लेते हैं। उसके बाद ये सारा नीचे का प्लस पॉइंट है, तो इसे हम किसी भी एमसीबी में पहले जोड़ लेंगे। उसके बाद हम इस पत्ती के जरिए से इसे नीचे जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम एमसीबी को गिन लेंगे कितना एमसीबी है, उसके बाद इस खांचे को भी हम गिनते हुए जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम तोड़ देंगे। तो हम एमसीबी का इनपुट भाग में इस पत्ती को कनेक्ट कर देंगे।
तो इसे हम सभी नट को खोलकर इसे अच्छी तरीके से लगा लेंगे और किसी भी एमसीबी एक एमसीबी में हम प्लस पॉइंट आउटपुट कनेक्शन को कनेक्ट कर देंगे जो आपका डीपी से निकली हुई है, ताकि सभी एमसीबी में प्लस पॉइंट चला जाएगा। बिजली वायरिंग में एमसीबी बॉक्स, एमसीबी कैसे सेटिंग की जाती है? दिक्कत भाई साहब? यस, पर मुड़ गया था पता। ये देखिए मैनिफेस्ट चला गया एमसीबी में, यहाँ का सिस्टम आप देख सकते हैं। जब देखिए ऑन हो जाएगा, इसके ऊपर न्यूट्रल है वो, और ये आपका इन्वर्टर इनपुट कनेक्शन है जिसे हम केवल एक एमसीबी इनपुट में देंगे। तो ए एमसीबी हमारा इन्वर्टर के लिए छोड़ी हुई है, इसमें हम पत्ती को नहीं जोड़े हैं, ये ओनली इन्वर्टर के लिए है। पत्ती दिखा था वहाँ? इसमें आप देख सकते हैं पत्ती को हम कनेक्ट नहीं किए हैं, नहीं तो जब भी आप इन्वर्टर लगाएंगे तो ये आपका शॉर्ट करेगा, मतलब फॉल्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ का वायरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें कनेक्ट करके दिखाएंगे, ये पूरा रूम का सर्किट है। तो चलिए सबसे पहले हम सप्लाई वायर को ग्रिप के ऊपर से पार कर इसे जोड़ लेंगे। इसमें दो छेद ऊपर दी हुई है, उसके बाद सारा सर्किट को हम ऊपर के छेद से जो कटिंग किए हुए हैं उससे पार कर इस पैनल को स्क्रू के जरिए जोड़ देंगे। तो चलिए सभी वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एमसीबी बॉक्स में इसे कनेक्शन को जोड़ेंगे। ये पूरा वायर बाहर निकल चुकी है, अब हम एमसीबी बॉक्स जो लकड़ी से बनी हुई है उसे हम कस लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सप्लाई वायर को जोड़ लेते हैं, और ये आपका जो ऊपर का न्यूट्रल पॉइंट है तो सारा न्यूट्रल सर्किट को हम ऊपर पत्ती में ही जोड़ देंगे। चलिए वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से हम जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं। और ये सब हमारा आउटपुट प्लस पॉइंट है जो कि बोर्ड में कनेक्ट है, तो इसे भी हम एमसीबी के आउटपुट कनेक्शन से एक एक जोड़ देते हैं। ये सब लोड के आधार पे है, तो आप एमसीबी भी उसी के आधार पे बैठाएं और सभी में हम एक एक सर्किट वायर को कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन भी बहुत आसानी होती है। ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका कैप हम लगा देते हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।